गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्लास 11 ज्योग्राफी वन लेवल चैप्टर सेकंड, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीटेड लास्ट क्लासेस। देयर नेम इज द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। हमारी जो अर्थ है या अर्थ एक प्लैनेट है, उसकी ओरिजिनिटी कैसे हुई और उसका डेवलपमेंट क्या रहा। आज 8% में मॉडर्न टाइम में जिसकी सेम लोकेशन सिचुएशन या 8% में जो कुछ हमें नजर आता है वो देखते हैं। एनसीएल से लेकर मॉडर्न टाइम तक या स्टार्टिंग स्टेज से लेकर 8% के स्टेज तक जो चेंजेस इसमें आए अर्थ में, वो कैसे आए, इसकी ओरिजिनिटी कैसे हुई, ये सभी जो क्वेश्चन है हमारे माइंड में या हर किसी के माइंड में क्वेश्चन होते हैं, चलते उन सभी क्वेश्चंस का क्लियरिफिकेशन या उन क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे यहाँ। और ये जो क्लियर करेंगे जितने भी स्कॉलर या ज्योग्राफर से, उनकी थ्योरीज के अकॉर्डिंग किया जाएगा और ये थ्योरी होंगी साइंटिफिक तरीके से। तो आज हम करेंगे अर्ली थ्योरी, यानी कि ओरिजिनिटी कैसे हुई, किसकी अर्थ की ओरिजिनिटी कैसे हुई। 8% में आप सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट देखते हो, उसमें से एक प्लैनेट हमारा ये अर्थ भी है। तो अर्थ की ओरिजिनिटी कैसे हुई, इसमें जो लैंड और वाटर वाला पार्ट डिवाइड किया गया है वो कैसे हुआ, ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में है। आज हम इस चैप्टर में इनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे या क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अर्ली थ्योरी, यानी कि एंशिएंट टाइम में जितने भी स्कॉलर्स हुए या स्टार्टिंग स्टेज में जो थ्योरीज दी गई थी, उनमें अर्थ की ओरिजिनिटी से रिलेटेड क्या क्या बताया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट टाइम जो अर्थ की थ्योरी या अर्थ की ओरिजिनिटी से रिलेटेड जो थ्योरी आई, वो आई थी इमैनुअल कांट। किसकी आई थी? इमैनुअल कांट। ये जर्मन स्कॉलर था, जर्मन जियोग्राफर। इसने अर्थ के बारे में बताया कि ये कैसे इसकी ओरिजिनिटी हुई। इन्होंने बताया था कि नेबुलर हाइपोथेसिस एक थ्योरी है, नेबुलर के कारण या इसी के कारण अर्थ की ओरिजिनिटी कैसे हुई। इसको क्लियर करेंगे हम ये चार अलग अलग स्कॉलर के बेस पर कि अर्थ की ओरिजिनिटी कैसे हुई। सबसे पहले इमैनुअल कांट, जिन्होंने नेबुलर थ्योरी दी। अब सेकंड लाप्लास थे, जिन्होंने अर्थ की ओरिजिनिटी से रिलेटेड थ्योरी दी। और इन्होंने जो थ्योरी दी उसमें इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल निहारिका परिकल्पना, नेबुलर थ्योरीज को, सॉरी नेबुलर हाइपोथेसिस को निहारिका परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पर्पज से आते हैं, तो ये हमें मालूम होना चाहिए नेबुलर थ्योरीज में था क्या, हुआ क्या था। भैया नेबुलर थ्योरी बता देता हूँ, सबसे पहले नेबुलर थ्योरी होती क्या है, उसके बाद में चारों स्कॉलर अपने अपने तरीके से या मेथड से इसको समझाने की कोशिश करें। नेबुलर थ्योरी है कि अर्थ की ओरिजिनिटी है सोलर सिस्टम की जितने भी प्लैनेट हैं उनकी ओरिजिनिटी कैसे हुई। तो भैया हमारे गैलेक्सी में बहुत सारी गैलेक्सी है हमारे पूरा यूनिवर्स के अंदर, और इस यूनिवर्स में जितने भी अर्थ प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, स्टार्स हैं, मून हैं, ये बहुत सारे ऐसे हैं, ये छोटे छोटे और भी उनका पिंड वगैरह हैं, उन सभी को के बारे में यहाँ पे थ्योरी बताई गई थी नेबुलर थ्योरी। ये बने कैसे? तो भैया ये बने थे हेलियम और हाइड्रोजन जब दोनों एक दूसरे से टकराए या अपने पास पास में आए, तो ये एक ग्रह अणु या जिसे आप पार्टिकल्स भी कहते हो, उनके इकट्ठे होने से ये प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। अब इसकी थ्योरी को आगे और थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि जो हमारे 8 प्लैनेट हैं उसमें स्टार्टिंग फोर प्लैनेट्स हैं वो पार्थिव प्लैनेट्स हैं, पार्थिव यानी चट्टानों से बने हुए, और लास्ट के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो जोवियन प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्लास में जोवियन प्लैनेट्स के बारे में आपको बता दिया जाएगा। जोवियन प्लैनेट्स होते हैं गैस के प्लैनेट। अब गैस कौन सी होगी उनके अंदर? गैस हीलियम और हाइड्रोजन भी बताई जाएगी। आपको एक और बता देता हूँ, वो सन है, सन इसके अंदर भी जो गैस पाई जाती है हाइड्रोजन, इसी के कारण ये नेबुलर परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना बताई गई।
अब आगे देखो कि लाप्लास ने क्या चेंजेस किया था इसमें, लाप्लास ने क्या चेंजेस किया था। तो लाप्लास का बताना यह था कि जितने भी प्लैनेट ये स्लो मोशन में रोटेट हो रहे, स्लो मोशन रोटेट कहाँ हो रहे थे, ये सन के चारों तरफ रोटेट हो रहे थे। कहाँ हो रहे थे, सन के चारों तरफ। और जो ये रोटेट होते हुए इनमें जो एक्टिविटी हुई उसी के कारण ये प्लैनेट्स बने अलग अलग। अब सन की जो एज बताई गई थी वो यंग एज बताई गई थी, यानी सन की यंग एज में ये प्लैनेट्स का निर्माण हुआ था, यह ऑर्गेनेटिक हुई थी। तो ये थी लाप्लास की थ्योरी। सेकंड जो थ्योरी है चैम्बरलेन एंड मॉर्टन की, चैम्बरलेन और मॉर्टन ने इसमें चेंजेस क्या किया या नए तरीके से कैसे बताया इसको कि 19 सेंचुरी में आएगी, और इसके लाप्लास क्या थे 1976 में। तो ये थोड़ी पुरानी थ्योरी है। तो चैम्बरलेन और मॉर्टन ने क्या बताया था, चैम्बरलेन और मॉर्टन ने यहाँ पर बाइनरी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको क्लियर करने की कोशिश की। बाइनरी थ्योरी क्या होती है, हिंदी में इसे कहा जाता है द्वैतारक सिद्धांत। क्या कहा जाता है, द्वैतारक सिद्धांत। तो भैया बाइनरी थ्योरी का मतलब है कि हमारे जो यूनिवर्स है उसके अंदर एक स्टार बताया गया था सन को, यानी सन एक स्टार है, लेकिन इसके अलावा जो इसके आसपास में एक और इसका फ्रेंड या इसके जैसे ही एक और प्लैनेट है जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब चारों तरफ चक्कर लगाने वाला जो प्लैनेट था वो था अर्थ। कौन सा था, अर्थ, यानी इस अर्थ को इसका फ्रेंड बताया था इसने, यानी एक साथी तारा इसका जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है या रोटेट हो रहा है। तो ये दोनों स्टार को ही इन्होंने द्वैतारक या बाइनरी थ्योरी के रूप में एक्सप्लेन किया था। चैम्बरलेन एंड मॉर्टन की थ्योरी समझ में आ गई होगी, अर्थ और सन दोनों ग्रह बताया गया और एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। चैम्बरलेन और मॉर्टन की जो थ्योरी थी इसको सपोर्ट किया था, दो और स्कॉलर आए थे उन्होंने सपोर्ट किया, नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं चैम्बरलेन एंड मॉर्टन सर, बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। कैसे, किंग सर जेम्स जेम्स और सेकंड थे हेराल्ड, इन दोनों ने भी चैम्बरलेन एंड मॉर्टन को सपोर्ट किया कि ये सन से ही अलग हुआ टुकड़ा या इसी का सपोर्ट करने वाला ये प्लैनेट जो इसके चारों तरफ रोटेट होता है। तो यहाँ आपकी तीन थ्योरी कंप्लीट हो गई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ नंबर की जो थ्योरी थी वो थी ऑटो सिम एंड कार्ल वाइजर। ऑटो सिम जो रहने वाले थे वो कहाँ के थे, रूस के, रशिया, कंट्री का नाम सुना होगा। तो ऑटो सिम एंड कार्ल वाइजर ने भी इसमें संशोधन करने की कोशिश की, इसमें नेबुलर हाइपोथेसिस में संशोधन का मतलब यहाँ बताया गया रिवाइज किया गया था। तो अब इन्होंने क्या बताया ऑटो सिम और इसने, तो इन्होंने बताया कि सूर्य या सन एक सौर निहारिका बताया है, सूर्य क्या बताया है, सौर निहारिका से घिरा हुआ है, यानी कि जो ये सन है, डायग्राम से समझा देता हूँ थोड़ा जल्दी समझ में आया, ये जो सन है सौर निहारिकाओं से घिरा हुआ है। सौर निहारिका होती क्या है, इंग्लिश में बता देता हूँ थोड़ी देर बाद में। सौर निहारिका यानी कि इसके चारों तरफ छोटे छोटे प्लैनेट्स रोटेट हो रहे हैं, एट प्लैनेट्स जिसकी हम बात करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे स्टार्स भी हैं इसके आसपास में, सैटेलाइट्स भी। तो ये जो रोटेट हो रहा है इसके अंदर जो गैस पाई गई है, देखो गैस के बारे में जो डिस्कशन किया सबसे पहले ऑटो सिम और कार्ल वाइजर ने किया, सन के अंदर कौन सी गैस पाई गई है या हमारे अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर में गैसें पाई गई हैं कौन कौन सी हैं, या जोवियन प्लैनेट पर कौन सी गैसें, तो उन से हमें ये क्लियर होता है कि हाँ हीलियम और हाइड्रोजन गैस हमारे सोलर सिस्टम में पाई जाती है, और ये दोनों के कारण लाइट हमें मिलती है। क्या मिलती है, लाइट, जितनी भी लाइट आज दिन में ही उजाला जाता रहता है सूर्य की वजह से दिन रहता है, तो ये भी इसी का एक रीज़न है। तो यानी कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के कारण हुआ है, और ये जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, सन वॉज सराउंडेड बाय सोलर नेबुलस
सोलर नेबुला, सौर निहारिका को क्या बताया इसने, सोलर नेबुला। कनेक्टिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हीलियम अलोंग विद व्हाट में बी टर्म एज डस्ट, डस्ट और उसके कारण ही सारा पता लग गया। द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए डिस्क शेप एंड क्लाउड एंड द प्लैनेट्स वेयर फॉर्म देयर की सॉरी थ्रू द प्रोसेस ऑफ द एक्यूरेशन, यानी कि यहाँ बताया गया सूर्य और सौर निहारिका हाइड्रोजन और हीलियम से घिरा हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ इसके सराउंडेड है। इनके जो कण यानी पार्टिकल्स हैं वो जिनके एक दूसरे के कारण जो घर्षण होता है, ये एक दूसरे से जब टकराते हैं आसपास में, तो इनसे क्या एक चपटी तस्तरी नुमा, चपटी तस्तरी नुमा एक शेप में बनाई है आकृति में, और बादलों का निर्माण भी हुआ है, इसकी अभिवृद्धि यानी इसमें डेवलपमेंट भी हुआ, और इसके आसपास में बहुत सारे प्लैनेट्स का भी ऑर्बिटिंग हुई। तो ये तस्तरी नुमा जो ये बताया गया है सोलर सिस्टम को बताया गया है, जिसके चारों तरफ प्लैनेट फैले हुए, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट फैले हुए हैं, इसकी जो सोलर सिस्टम की शेप बताई गई है वो तस्तरी नुमा बताई गई है। जैसे बताई गई है तस्तरी नुमा यानी डिस्क शेप में बताया गया। तो ये थी ऑटोसेप और बार्वाइजर की। एंशियंट या अर्ली थ्योरीज में अगर हम बात करते हैं तो इन चारों स्कॉलर की ही थ्योरी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पे आती है। ये चारों थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए, पांचवी थ्योरी आपके बुक में नहीं है सिलेबस में। वैसे तो अगर आप लेवल बढ़ाकर पढ़ते हो ग्रेजुएशन लेवल या अंडर ग्रेजुएशन लेवल या और भी आगे, तो इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स एड हो जाते हैं, तो आपके जो मोस्ट चार स्कॉलर थे वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए जो आपके बुक में है। नेक्स्ट आपके हैं मॉडर्न थ्योरी, कौन सी है मॉडर्न थ्योरी यानी ऑर्गेनिटी, अर्थ की जो ऑर्गेनिटी रही वो मॉडर्न थ्योरीज में क्या चेंजेस है, उन्होंने डिफरेंट क्या बताया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो भैया ऑर्गेनिटी ऑफ द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई, हमारे सोलर सिस्टम की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई। मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें एक ही थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, और आपके इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है बिग बैंग थ्योरी। शायद अभी क्लास टेस्ट या पता नहीं कौन से टेस्ट हुए थे थोड़े दिन पहले ऑनलाइन क्लासेस के, 11th क्लास के, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी दिया। और ये बिग बैंग थ्योरी स्टार्टिंग में ऑनलाइन वीडियो से बने थे उसमें आपको बताया गया। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने 10th क्लास में सुना होगा या 9th क्लास में सुना होगा, वहाँ इसको केवल नाम दिया गया था, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था। हो सकता है आपके जो टीचर अच्छे होंगे तो आपको समझाया भी होगा कि बिग बैंग थ्योरी होती क्या है। तो बिग बैंग थ्योरी को आगे कंप्लीट करते हैं और ये मॉडर्न थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, बिग का मतलब क्या होता है बड़ा, और बैंग का मतलब विस्फोट, विस्फोट से यानी कि दिवाली आ रही है तो विस्फोट सब करते हैं पटाखे वगैरह बोलते हैं। तो भैया जी पार्टिकल्स या मॉलिकुलर्स थे ये जब एक दूसरे के समीप आए तो इनमें विस्फोट होने लगा। आपको पता है जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, टक्कर होने से क्या होता है विस्फोट होता है, हवा जाती है, तो उसी तरीके से बिग बैंग थ्योरी ने अपना काम करना शुरू किया। तो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हमारा जो ये सोलर सिस्टम है ये इसका विस्तार क्यों हो रहा है, विस्तार यानी कि ये बड़ा क्यों हो रहा है, बड़ा कैसे होता है, यही थ्योरी आज हम इसमें क्लियर करेंगे। तो बिग बैंग थ्योरी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस यानी कि ये बढ़ रहा है एक्सपेंडिंग हो रहा है। तो इसके लिए 1920 में एडविन हबल, कौन थे भैया एडविन हबल, एडविन हब्बल ही है, ये एक स्कॉलर थे जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी को क्लियर करने की कोशिश की थी, और इनकी जो थ्योरी थी इन्होंने कुछ एविडेंस भी प्रोवाइड किए थे
वो एविडेंस क्या थी? एविडेंस इन्होंने एक बैलून के रूप में लिया। आप एक छोटा बैलून लेते हो, उसके ऊपर किसी भी मार्कर पेन से छोटे छोटे डॉट लगा देते हो, ठीक है। अब इसमें एयर जैसे हम फिल करेंगे, इसको फुलाएंगे, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। किसकी? बैलून की। और जैसे साइज बड़ी होगी बैलून की, तो जो ये छोटे छोटे डॉट्स थे इनकी साइज भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इनकी साइज भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो ये बैलून जैसे फुला, सेम इसी कंडीशन पर, सेम इसी प्रोसेस पर हमारा सोलर सिस्टम भी जैसे एक दूसरे से टकरा रहा है। ये जितने प्लैनेट है, छोटे छोटे कण हैं, आपस में टकरा रहे हैं, इससे विस्फोट हो रहा है। और विस्फोट होने पर आप भी अच्छे तरीके जानते हो, सभी जितने भी पार्टिकल्स या मॉलिकुलर्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दूर दूर। दूर दूर होने का मतलब इनमें क्या हो रहा है भैया? ये फैल रहे हैं, एक्सपेंडिंग हो रहे हैं। तो भैया एक्सपेंडिंग यानी कि हमारा सोलर सिस्टम या हमारी गैलेक्सी बढ़ रही है। तो यही एडविन हबल की थ्योरी थी। अब द बिग बैंग थ्योरी को कंसिडर किया गया है फॉलोइंग थ्री स्टेज। कितने स्टेज में? थ्री स्टेज। यानी कि बिग बैंग थ्योरी को हम क्लियर करेंगे तीन स्टेज में। पहले स्टेज में ऐसा क्या था जो सेकेंड स्टेज में है, सेकेंड में ऐसा क्या था जो थर्ड में है, यानी तीनों स्टेज में इनमें चेंजेस पाए गए। इसमें हमारे सोलर सिस्टम में या अर्थ की ऑर्गेनिटी या इसके डेवलपमेंट, यानी कि अब हमारा टॉपिक होगा इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब डेवलपमेंट को थोड़ा इजी करने के लिए बता दूँ, अगर किसी बच्चे को, बेबी बॉर्न को हम 21 ईयर तक बड़ा होते हुए देखते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेज हमें देखते हैं, यानी एवरी बर्थडे पर उसके बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ हमारे टाइम पीरियड या हिस्टोरिकल टाइमलाइन से हमें ये मालूम चलता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो फर्स्ट स्टेज क्या थी? फर्स्ट स्टेज आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेज में ये सभी छोटे छोटे मॉलिक्यूलर्स या पार्टिकल्स थे, ये दूर दूर थे और आपस में एक पास 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 आने से क्या हुआ, ये हमारे सोलर सिस्टम का या यूनिवर्स का निर्माण या ऑर्गेनिटी होना शुरू किया। स्टार्टिंग स्टेज में तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूलर्स थे, क्या थे? छोटे छोटे मॉलिक्यूलर्स। लेकिन ग्रेविटी पावर के कारण ये आपस में एक दूसरे के पास आने लगे, और जैसे ये एक दूसरे के पास में आने लगे तो इनकी साइज भी बढ़ने लगी। साइज बढ़ने लग गई तो भैया ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस तरीके से ये क्या हुआ, प्लैनेट्स या हमारा सोलर सिस्टम बनना शुरू किया। इसका मतलब, इसका जो मीनिंग बताया गया है, इनका जो आई इनके अंदर जो पाया जाता है, इसका आयतन, सूक्ष्म तापमान तथा घनत्व अनंत था, यानी इन्फिनिटी था। इंग्लिश में बता देता हूँ, इन द बिगिनिंग ऑल मैटर्स फॉर्मिंग द यूनिवर्स एक्सेटेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ए टिनी बॉल, सिंगुलर बॉल था। क्या था? सिंगुलर बॉल विद ए अनमेबी बिलिंग स्मॉल वॉल्यूम इन्फिनिटी टेम्परेचर एंड इन्फिनिटी डेंसिटी। इसके अंदर देखो इन्फिनिटी डेंसिटी और इन्फिनिटी टेम्परेचर भी पाया गया, बहुत सारा तापमान बताया गया इसका और डेंसिटी बताई गई। तो ये था इसका फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में इसमें चेंजेस क्या बताया गया? सेकेंड स्टेज में पहला परमाणु बना, यानी कि जब पहला विस्फोट हुआ इसके अंदर, पहला विस्फोट हुआ इसमें तो पहला परमाणु बना। और ये कब बना? स्टार्टिंग स्टेज के 3 मिनट। कितने मिनट में? एट द बिग बैंग टिनी बॉल एक्सप्लोडेड वॉयलेंटली, दिस लीड टू बैक एक्सपेंशन, इट इज रो जनरली एक्सपेक्टेड 13.7 बिलियन ईयर। यानी कि जो ये पहला विस्फोट हुआ इसके अंदर वो हुआ था 13.7 बिलियन ईयर। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम की अगर एज पूछी जाती है, सोलर सिस्टम की एज कितनी है, तो वो होगी 13.7 बिलियन ईयर। तो ये सेकेंड स्टेज में ये बताया गया। और बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगिन टू फ्रॉम 3 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेज।
लास्ट टॉपिक हमारा इसमें थर्ड स्टेज में बताया गया ब्रह्मांड किसी भी समय में एक जैसा नहीं रहा, यानी कि हमारा यूनिवर्स किसी भी टाइम पीरियड में एक जैसा नहीं रहा, डिफरेंट टाइम में बताया गया। 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर, इसका जो स्टार्टिंग स्टेज किया 3 लाख ईयर्स अगो इसका जो टेम्परेचर था वो 45,000 केल्विन इसका टेम्परेचर बताया गया। सेकंड जो स्पेशल थी एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स में इंक्रीज द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज, यानी इसके अंदर गैलेक्सीज का भी एक्सपेंशन हुआ, ये बड़ी हुई विस्तार हुआ इसके अंदर। इसके बाद में हॉयल स्थिर अवस्था से संक्रमण से रिलेटेड है, ये इसने स्टेट कंसेप्ट दिया था, स्टे यानी स्थिर बताया गया था। ब्रह्मांड किसी भी समय में एक जैसा नहीं था। अब ये जो स्थिर अवस्था बताई गई थी उसमें क्या बताया गया था, इट्स कंसिडर द यूनिवर्स टू बी रगली द सम एट द पॉइंट ऑफ द टाइम प्रेजेंट फेवर्स आर्गुमेंट्स ऑफ द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी कि प्रेजेंट में जितने भी फेवर्स आते हैं वो यही आते हैं कि ये अभी भी एक्सपेंड हो रही है, यानी इसका विस्तार अभी भी हो रहा है। तो ये मॉडर्न और अर्ली थ्योरीज आपको इसकी ऑर्गेनिटी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके अंदर इसकी ऑर्गेनिटी से रिलेटेड ही होगा कि अर्थ की ऑर्गेनिटी कैसे हुई, इसमें लैंड वाटर कैसे बनाई, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।